नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अदिति सिंह और मैं रायबरेली विधानसभा से विधायक हूं उत्तर प्रदेश से, और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी हूं। मैं इंचार्ज हूं, नेशनल इंचार्ज हूं, हमारी एक सेल है प्रियदर्शनी, और आज मुझे यूथ कांग्रेस के माध्यम से यहां बैठने का, आप सबसे बात करने का मौका मिला है। आपकी जो ये पहल है आधी आबादी पूरा हक, इस पर मुझे आज आमंत्रित किया गया है बोलने के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जो महिलाओं की, और ख़ास तौर से कम उम्र की जो महिलाएं हैं, जो मेरी हम उम्र महिलाएं हैं, उनकी राजनीति में भागीदारी इतनी कम क्यों है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी आपके प्रश्न होते हैं इससे संबंधित, जो भी प्रश्न हैं महिलाओं के संबंधित, जो भी आपके प्रश्न हैं, उनका मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। और इसी के साथ मैं आई एम ओपनिंग द फ्लोर टू क्वेश्चंस, जो भी आपके प्रश्न हो आप मुझे बताएं, आप हमसे पूछें, और पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी सत्निष्ठा से आंसर देने का मैं प्रयास करूंगी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सोनाली गौतम, व्हाट एनकरेज्ड यू टू जॉइन पॉलिटिक्स। सो आई ग्रू अप सीइंग माय फादर, माय फैमिली ऑलवेज इन एक्टिव पॉलिटिक्स। इनिशियली आई वॉज पेट्रीफाइड टू द पॉइंट कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी करूँगी बस राजनीति नहीं करूँगी, मेरे बस की बात है नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, वहाँ अभी भी आप जानते हैं बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे दिखती थी जिनको देख के मैं बिल्कुल डर जाती थी। लंबे टाइम मैं बाहर रही, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी, मसूरी में पढ़ी, दिल्ली में पढ़ी, उसके बाद मैं विदेश चली गई थी, अमेरिका चली गई थी अपनी शिक्षा ग्रहण करने, और जितना ज़्यादा मैं राजनीति से दूर भागी उतना ज़्यादा मेरी किस्मत ने मुझे राजनीति के प्रति खींचना चालू कर दिया। जब मैं बाहर थी ख़ास तौर से, मैं देखती थी कि लोग मेरे देश के, मेरे मुल्क के बारे में कैसे बातें करते थे, जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, और ये सब देख के मुझे अंदर का मेरा एक पेट्रियटिज्म मुझे बार बार बुला रहा था कि आई हैव टू कम बैक टू माई कंट्री, एंड इतनी शिक्षा ग्रहण करने का क्या फ़ायदा, मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए उनका क्या फ़ायदा अगर मैं अपने देश की, देशवासियों की, खास तौर से महिलाओं की सेवा ना कर सकूँ। इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन, आई वोंट लाई, इट्स नॉट नेसेसरली एन ईजी फील्ड फॉर वुमेन टू बी इन, इवन इन टूडेज डे एंड एज, पर मेरी जनता का, मेरे माता पिता का मुझ पर हमेशा भरोसा रहा, और फिर मुझे लगा कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है जो मुझे मिल रहा है। मुझे एक मौका मिला सेवा करने का, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का, अपनी विधानसभा के लिए कुछ करने का, महिलाओं की आवाज़ उठाने का, तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस मौके को गवा दूं तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज़ इंट्रस्टेड मी। अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी जब भी मैं जाती हूँ, अपनी महिलाओं से मिलती हूँ, बहुत स्कूल्स कॉलेजेस जाती हूँ ताकि मैं कम उम्र की लड़कियों से मिलूँ, और मैं उन्हें हमेशा प्रेरित करने का प्रयास करती हूँ कि देखिए आप सक्षम बनिए, जो भी, वट एवर यू चूज टू डू, वेदर नॉट यू चूज टू गेट इन टू एनी प्रोफेशनल फील्ड, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स योर ओन चॉइस, बट कम से कम आप अपने आप को इतना एजुकेट करिए। एजुकेशन इज की, दैट इट इज, एजुकेशन आपका एक ऐसा जूल है, एक ऐसा टूल है दैट नो वन कैन एवर टेक दैट अवे फ्रॉम यू। तो मैं अपनी सारी बच्चियों से, अपनी लड़कियों से हमेशा यही कहती हूँ, और इस इंटरव्यू के माध्यम से आम जनमानस तक भी मैं यही बात पहुँचाना चाहूँगी कि अपने आप को शिक्षित करिए, और शिक्षा का मतलब बस यही नहीं कि स्कूल कॉलेजेस में जो आप डिग्री प्राप्त कर रहे हैं वो तो है ही, पर साथ ही साथ अपने आप को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर आप अपने आप को शिक्षित करिए, कीप योर सेल्फ अवेयर अबाउट द issues happening around you, keep yourself educated, understand policy, understand कि किस तरीके से कौन हमारा देश चला रहा है, कौन ये योजनाएं बनाता है, कौन नीति बनाता है, उनको, उनकी गंभीरता से उनको समझने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को शिक्षित और सक्षम बनाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। So Monica wants to know, how do you encourage girls in your constituency to work toward their dreams of becoming something in life? You know, I'm so thankful to God, to my family, and especially my voters, कि जब मैं राजनीति में आई थी, और ख़ास तौर से सक्रिय राजनीति में जब मैं आई थी, जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई थी, जब मैंने चुनाव लड़ा था, तो
तो मैं अगर बिल्कुल सच्चाई से बताऊँ, आई एम स्पीकिंग विद ऑल ऑनेस्टी, मुझे बहुत इस चीज़ का डर था कि ठीक है बेशक मेरे छेद में सब मुझे बिटिया कहते हैं, बिटिया मानते भी हैं, पर विल दैट कन्वर्ट इनटू वोट्स? एक चीज़ होता है कि आप किसी को बहुत प्यार करें, दुलार करें, उनके माता पिता की इज्जत करें, पर क्या वो मुझ में एक सक्षम लीडर देख पा रहे हैं कि क्या वो मुझे वोट करेंगे या नहीं करेंगे? मेरी जनता ने मुझे 90,000 की लीड से जिताकर, रायबरेली की जनता ने ये साबित कर दिया कि उनको मुझ में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखी, कुछ ना कुछ उनमें मुझे लीडरशिप स्किल्स दिखे, और इससे मेरा छोड़िए, मैं एक विधायक हूँ, मैं चुनी गई हूँ उसी जनता से चुनी गई हूँ, पर जब मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाती हूँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ मेरी कम उम्र की लड़कियाँ काम कर रही होती हैं, जहाँ वो जॉब्स कर रही होती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में अगर मैं जाती हूँ, तो मुझे देख के उन लड़कियों के चेहरे पे जो खुशी और कॉन्फिडेंस आता है ना, उससे ज़्यादा अपार खुशी मुझे शायद किसी भी चीज़ से नहीं मिलती होगी. नॉट बिकॉज ऑफ मी और बिकॉज आई एम अदिति सिंह, बिकॉज उन्हें ये लगता है कि हाँ, अगर अदिति दीदी कर सकती हैं, कम उम्र की लड़की इस मुकाम तक पहुंच सकती है, तो हम भी पहुंच सकते हैं. तो मेरा ये मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल मॉडल्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोल मॉडल्स चाहिए अपनी लड़कियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, ताकि वो जब उन्हें देखें तो उन्हें गौरव महसूस हो. एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जस्ट ऑन दिस क्वेश्चन कि मेरे क्षेत्र में रायबरेली में इस समय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो DM साहिबा हैं, शी इज़ अ वुमन एंड शी इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. एंड उससे पहले जो SP साहिबा थी, शी वॉज ऑल्सो अ वुमन, एंड नॉट जस्ट मी बट ऑल द गर्ल्स इन आर डिस्ट्रिक्ट लुक्ड अप टू हर सो मच, है ना? तो बात नॉट जस्ट पोलिटिकल फील्ड में, बट इन एवरी फील्ड दे आर, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट DMs दैट वी हैड. द माई ओल्ड SP वॉज अ वुमन, वॉज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स दैट वी हैड, सो कॉम्पिटेंट. तो इनको देख के, मतलब मैं अगर अपना एग्जाम्पल भी लूँ, तो अन्य ऐसी महिलाएं हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो, जिनको देख के मैं बड़ी हुई हूँ कि मुझे ऐसे बनना है, और मेरे माता पिता ने उस चीज़ में सहयोग किया. तो जब भी मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती हूँ, मैं अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को यही बताती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, अगर अन्य लोगों के मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर वो कर सकते हैं, तो बच्चे आप बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ें. वाकई आई कैन नॉट iterate on this enough, that is a gateway for them to access every opportunity that could be accessible to them. अगला सवाल रितु से, अगर आप उस पद पर कभी पहुंची जहां से आप महिलाओं के लिए कुछ असरदार निर्णय ले सकती हैं, तो आप क्या करना चाहेंगी महिलाओं के लिए? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं किस पद तक पहुंचूंगी, नहीं पहुंचूंगी, फ्रेंकली मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ. जैसे जैसे मुझे जो भी पद मिलता है, उसके हिसाब से मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए करूं. आगे क्या होगा किसने जाना, पर जो अभी मुझे पद मिला है वो खुद में, फॉर समवन माय एज, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी पार्टी ने, मेरी लीडरशिप ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंट्रस्ट किया है. अभी मैंने शुरुआत में आपको प्रियदर्शनी के बारे में बताया था, जो एक महिला कांग्रेस की सेल है, और इस सेल का गठन इसीलिए किया गया था कि जो कम उम्र की लड़कियां हैं, जो 15-16 साल से 30-35 साल तक की एज ग्रुप की महिलाएं या लड़कियां हैं, जो जब एक लड़की 15-16 साल की होती है, उसकी एक राजनीतिक विचारधारा बननी चालू हो जाती है, पर अमूमन वो अपनी बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिलता है. हमारा यही प्रयास है कि इन लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जिससे वो अपने विचार रख सकें, राजनीतिक समझ उनमें आ सके, राजनीतिक जो नीतियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनको समझने का उनको प्लेटफॉर्म मिले, और उनको खुद को, उनके आत्मविश्वास में भी एक चेंज आए, बढ़ोतरी आए, जिससे वो ज़्यादा सक्षम हो सकें. पूरे देश में अब हमारे बहुत सारे अधिक प्रदेशों में प्रदर्शनी का कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि इन अन्य प्रदेशों में हमारी जो लड़कियां हैं जो जुड़ी हुई हैं प्रियदर्शनी के साथ, वो सेल्फ डिफेंस कैंप्स करती हैं, और वो अन्य इस टाइप के कार्यक्रम करती हैं, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, उस टाइप के कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे हमारी लड़कियां सक्षम बने टू एक्चुअली एम्पावर दम. इट्स वन थिंग टू
sit and talk politics about these younger girls जो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक गलियारों में बात कहीं गुम हो जाती है पर हम ये चाहते हैं कि ग्रासरूट तक पहुंच के इन बच्चियों को सक्षम किया जाए मेरा हमेशा यही गोल रहेगा चाहे मैं जिस भी पद पे पहुंचूं आमिर का सवाल आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आमिर आमिर मैं आपको बता दूं कि जब मैं पढ़ के आई थी जब मैं अमेरिका से पढ़ के आई थी जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में राजनीति में आना पहला कदम लेना बढ़ना मेरे लिए भी एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था और शुरुआत में ही मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई एंड उन्होंने मुझसे दो चार क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट डिड यू स्टडी कहाँ पढ़ के आए हैं क्या करना चाहते हैं एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लड़कियों को बढ़ाने के लिए क्या करोगे राजनीति में और अपने क्षेत्र में और मैं ऑब्वियसली उस समय इतनी डरी हुई थी कुछ जवाब दिया होगा मैंने और फिर बाद में मैंने जब इस चीज़ को इसके बारे में सोचा और जब मैं बाकी राजनेताओं से धीमे धीमे मिलती गई तब मुझे एहसास हुआ कि कम से कम मुझे एक ऐसा नेता मिला जो वाकई लड़कियों के बारे में महिलाओं के बारे में इतना सोच रहे हैं जो अगर आप मतलब देखिए मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके जो अपब्रिंगिंग होती हैं जो जिस जो आप देखते हुए बड़े होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा आपको एक मेंटल जो आप जो आपकी विचारधारा होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है अब वो इंदिरा गांधी जी के पोते हैं सोनिया गांधी जी के बेटे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं दैट ही इज़ समवन हु ग्रू अप रिस्पेक्टिंग वुमेन इन पावर वुमेन मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन And that is his mindset. And it is very clear in everything he says, in every interview he's given, when he addressed the All India Mahila Congress meeting in Talcahuana too. One of the things he said was like, you know, I not only want to see more participation of women in politics, but I want to see them as chief ministers. Aage Sheila Dikshit ji baithi hui thi, Meera Kumari ji baithi hui thi, so anya bahut aisi मतलब सीनियर महिला लीडर्स हमारी बैठी हुई थी एंड यू नो ही पॉइंटेड टू देम एंड ही इज लाइक मैं बल्कि ये यहाँ तक भी नहीं चाहूँगा कि आप बस एमएलए और एमपी बने आप चीफ मिनिस्टर्स बने तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक दल के नेता राहुल गांधी जी ऐसी जो बातें कह रहे हैं जब भी वो हमसे मिलते हैं किसी भी युवा नेत्री से मिलते हैं किसी भी महिला नेत्री से मिलते हैं हमेशा वो इस बारे में पूछते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कैसी है आपके क्षेत्र में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके ज़िले में आपके स्टेट में और मैंने हमेशा उनको महिलाओं को बढ़ावा देते हुए देखा है अगला सवाल विनीत से आपकी सरकार बनती है सेंट्रल में तो रोजगार को लेकर क्या सोचा है आपकी सरकार ने आई थिंक मेरे लीडर माननीय राहुल गांधी जी ने इस बारे में बहुत बात करी है कि जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने जो मीडियम एंड स्मॉल साइज बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज होते हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है आई एम श्योर मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों ने अब मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ सो आई कॉन्ट गिव यू फुल डिटेल्स पर मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा समझदार सयाने लोगों ने इस बारे में बात करी होगी कि डीमोनेटाइजेशन का GST स्लैब्स का क्या अफेक्ट रहा है हमारी इकोनॉमी पे मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर बेशक बाकी लोग आपको समझा सकेंगे बट एक आम आदमी भी एक सड़क पे चलता आदमी भी देख सकता है कि कैस किस तरीके से उसकी पेट पे लात मारी गई है राहुल गांधी जी का हमेशा कहना रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम मीडियम एंड स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे एंड वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड स्टेम साइंसेज को एंड सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे अगला सवाल अपूर से आपसे उत्तर प्रदेश की जनता कनेक्ट होती है आप रायबरेली से बाहर प्रचार क्यों नहीं करती See, to be honest, how I divide my time is महीने में दो हफ्ते चाहे कुछ हो जाए मुझे रायबरेली में रहना आता है क्योंकि वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है I have a constitutional duty towards my constituents. In the other two weeks, Apoor ji, I would like to tell you that I do being the national coordinator of Priyadarshini, which is a cell of All India Mahila Congress, I do go to different parts of the country to form my team. And baki Uttar Pradesh ki baat kare, to be honest, jo bhi mere
लीडरशिप का जो भी मेरे मेरी माननीय सांसद जी का आदेश होगा मैं वो ही करूँगी. सी आई एम देयर पीपल दैट आर मच मोर सीनियर देन मी, अ लॉट मोर नॉलेजेबल देन मी. आई हैव ओनली बीन इन एमएलए फॉर 2 years एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न. यू नो आई डोंट वांट टू रन बिफोर आई कैन वॉक. So I'm really enjoying my journey, if I'm being honest. God has given me more than I deserve at this point. I'm trying to be a good MLA and do justice to my constituents along with doing justice to my national post. But beshak aap jahan bulayenge Apoorv ji, hum avashya aayenge. Aap bulaiye, main zarur aungi. Agla sawal Mahesh se. Yuva Congress mein mahilaon ki bhagidari bahut kam hai. Iske liye koi vishesh abhiyan chalayega inko jodne ke liye. युवा कांग्रेस में ये टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम इन महिला कांग्रेस सो आई डोंट लाइक टू बी कमेंटिंग ऑन एनी अदर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई डोंट नो देयर वर्किंग्स बट आई हैव मेट सम अमेजिंग विमेन फ्रॉम यूथ कांग्रेस हाँ है ना एंड योरसेल्फ इंक्लूडेड आई हैव मेट सम वेरी वेरी कूल विमेन सो आई कांट कमेंट ऑन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस बट If they feel that way, if that is the case, then of course that's something we as a party will work on to ensure that more and more women are able to join whichever frontal organization they choose to, be it NSUI, be it Youth Congress, be it Mahila Congress, be it Seva Dal, be it jo Pradesh Congress committees hoti hain. Hum to chahenge ki aap jyada se jyada aapki bhagidari aur hissedari rahe. Aap jis bhi platform ko choose karein. Agla sawal Kumail se. भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 90% फंड अपने प्रचार में खर्च क्यों कर दिया? यू नो टू बी ऑनेस्ट अगेन ये भी सवाल एक ऐसा है जो बहुत बार नॉट जस्ट मुझसे पूछा जाता है, सदन में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, गोलमोल जवाब दे दिया जाता है. बट ये बात बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ही नहीं है, अन्य ऐसे बहुत सारे इनके अभियान है. वो नमामि गंगे जो इनका जो अभियान था, आप डिटेल्स निकलवाइए कि कितना पैसा एक्चुअली गंगा को साफ करने में गया है और कितना पैसा कहाँ गया है. इफ़ यू ब्रेक डाउन ऑल ऑफ दीज, अगर आप स्वच्छ भारत को नहीं, डिड यू नो दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लेंलीनेस कैंपेन्स एवर रन इन द वर्ल्ड एंड आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम रियली नॉट सीइंग दैट मच ऑफ अ डिफरेंस टू हैव स्पेंट लाइक लुक आई डू होप दैट द कंट्री कीप्स moving towards improvement and cleanliness, right? And I hope that there's been a change. But jis hisab se iska budget allocation hua tha, us hisab se kya kaam ho paya hai, mujhe to nahi dikh raha. Same with beti bachao, beti padhao. Agar itna hi jyada betiyon ko bacha rahe hote the, padha rahe hote the, to education mein fir aap budget mein cuts kyun hote hain? क्राइम रेट इंक्रीज, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं, जो अभी मैं आपको रेप इंसिडेंट्स का एवरेज बता रही थी, वाई आर दे इंक्रीजिंग अगर हमारी बेटियां पढ़ती जा रही हैं और बचती जा रही हैं? सो दीज आर माय क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट. गगनदीप इज आस्किंग, आर वी गोइंग इनटू एन एरा ऑफ डिक्टेटरशिप? आर वी गोइंग इनटू एन एरा ऑफ डिक्टेटरशिप? या सी आई फुली बिलीव दैट हाउ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर runs his party, runs his PMO, and runs all the ministries, is very much along dictatorial lines. But I have full faith in India's democracy. Regardless of what anyone says, there will be a change in government and things will be reversed. I think that's the cyclical nature of democracy. I more than anything else in the world, I have absolute faith in the Indian people and the Indian democracy to turn that around. But yes, the way the Bharatiya Janata Party operates is very much along dictatorial lines. Sheikh is asking, Modi ji's offensive comment calling Sonia Gandhi a widow has hurt the sentiments of women in India and he did not even apologize. Do you think this nature is his learning from RSS? Jab Mani Rajiv Gandhi ji ki hatya hui thi, tab सब लोग मुझे बताते हैं कि उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी फूट फूट कर रहे थे. यू नो दिस इज अ लोकतंत्र दैट आई वांट फॉर माय कंट्री, दैट आई इमेजिन फॉर माय कंट्री. जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब हो गई थी तो गांधी जी ने उन्हें मतलब आई थिंक किसी डेलीगेशन के माध्यम से या किसी तरीके से उनका पासपोर्ट बना के उनको अमेरिका भेजा था कि भाई आप जाके इलाज कराइए. दैट इज अ डेमोक्रेसी दैट आई ग्रू अप वर्शिपिंग.
And it pains me so much, just as a youth of this country, to see all of that going into shambles. So it was so unbecoming of the Honorable Prime Minister to have made a statement like that about such a great leader, such a gentle leader, who's done nothing to provoke these kind of lewd comments. I think it just hurts as a woman and an Indian and as a Yuva ki aisi baaton ka prayog ho raha hai hamare rajnitik system mein aaj ke daur mein. Royal Bishnoi wants to know how to fight BJP's fake news propaganda. मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब मैं शुरू में आई थी राजनीति में तो मेरी बहुत ट्रोलिंग होती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी, रोने पीटने लगती थी एंड ऑल दैट. मैं चाहूँगी कि आप लोग भी उनको थोड़ा जवाब देना चालू करें. सी बेशक वो ट्रोल्स हैं, फिर वो भी जवाब देंगे वापस एंड दे विल प्रोबब्ली से समथिंग दैट इज़ हर्टफुल, पर धीमे धीमे उन्हें आइडिया लग जाएगा कि टू नॉट टू मेस विद यू नो. और ऊपर से दूसरे लोगों को भी इस बारे में समझाएं, अवगत कराएं कि ये फेक न्यूज़ है, ये प्रोपेगेंडा है. टेल देम, टीच देम ट्रिक्स टू सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि क्या उनकी बस ट्रोल आर्मी बैठ के कह रही है किस टाइप की चीज़ें. हेल्प पीपल अंडरस्टैंड इट. अपने आसपास के जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, अन्य लोग जो आपके आसपास हैं, हेल्प देम रियलाइज, हेल्प देम अंडरस्टैंड कि देखो ये गलत है, ये जो है ये बस कोई ट्रोल है जो ये कह रहा है. सो दैट दे इवन एटलीस्ट कैन ट्राई टू sort of separated from the real news. हमारा आखिरी सवाल, आखिर देश की महिलाएं राहुल गांधी जी को क्यों चुनें? क्योंकि वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके हक के बारे में बात करते हैं. आपने भी मुझसे कहा था कि एक जो सवाल आया था, कमेंट आया था, अगर आंगनवाड़ियों को ही लेके ये सारी जो योजनाएं थी ये कांग्रेस सरकार के माध्यम से आई थी. तो अगर आप हमारे देश के इतिहास को ले लें तो जो भी महिला सेंट्रिक योजना रही हो या लीडर्स रहे हो या कोई भी मतलब यू नो प्रो विमेन टाइप की जो भी चीज़ें हुई हैं अधिकतर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुई हैं. राहुल गांधी जी एक हर दल के नेताओं में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर आज की तारीख में कोई नेता है, कोई लीडर है जो महिलाओं के बारे में, महिला सम्मान, महिला पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे लीडर राहुल गांधी जी हैं. एंड आई एब्सोल्युटली trust him to do everything within his power to empower the women of today, as he always has.